तो फ्रेंड्स, अगर आप अपना जो ओल्ड पीएफ है वो नए पीएफ में ट्रांसफर करना चाहते हैं, यानी कि पुरानी कंपनी का पीएफ नई कंपनी के पीएफ में ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आप पूरी देखना। ये वीडियो देखने के बाद आप भी घर बैठे अगर आप अपना पुराना पीएफ नई कंपनी में ट्रांसफर करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो अपन ने अगर देख ली तो आप भी घर बैठे अपना पीएफ ओल्ड पीएफ टू न्यू पीएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। आप खुद का ही नहीं, अपने फ्रेंड फैमिली मेंबर का, किसी का भी घर बैठे पीएफ, पुराना पीएफ नए पीएफ में ट्रांसफर कर सकते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप शर्मा आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, यहां पे वीडियो कंटिन्यू करने से पहले मैं आपसे एक बात बता देता हूं कि जब भी आप पीएफ ट्रांसफ़र करने के लिए अप्लाई करेंगे, उससे पहले आपका जो पीएफ पासबुक है पुरानी कंपनी का जिसका आप ट्रांसफ़र करना चाहते हैं उसका, और जो नई कंपनी है जिसका जिसमें आपका पीएफ का पैसा आएगा, दोनों की पीएफ पासबुक डाउनलोड कर लेना पीएफ ट्रांसफ़र करने से पहले। ये मैं आपको क्यों कह रहा हूँ, ये मैं आपको इसलिए कह रहा हूँ कि जब आप डाउनलोड कर लेंगे पुरानी कंपनी का पीएफ पासबुक और नई कंपनी का पीएफ पासबुक, जब आप डाउनलोड कर लेंगे, जब आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा पुरानी कंपनी के पीएफ से नई कंपनी के पीएफ में, तो जो आप पासबुक डाउनलोड करके रखेंगे तो उसको ओपन करके, और जो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा जब उसको ओपन करके, नई कंपनी का पीएफ का पासबुक ओपन करके, आप मैच कर सकते हो कि आपका जो पीएफ का पैसा है वो सारा का सारा ट्रांसफ़र हुआ है, उसमें कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई है। यानी कहने का मतलब है, जब आपका पीएफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो आप मैच कर सकते हैं कि आपका पूरा का पूरा पैसा ट्रांसफ़र हुआ है कि नहीं हुआ, या फिर कुछ बच गया है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब भी आप पीएफ ट्रांसफ़र करेंगे पुरानी कंपनी से नई कंपनी में, तो अपनी पासबुक पहले डाउनलोड कर लेना। अगर आपको नहीं पता पासबुक कैसे डाउनलोड करते हैं, तो मैंने ऊपर आई बटन में लिंक आ जाएगा और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक मिल जाएगा आपको, वहां से आप वीडियो देख के आप डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने इसके लिए ऑलरेडी वीडियो बना रखी है कि कैसे पीएफ पासबुक डाउनलोड करते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको क्या करना है, इसके लिए कोई भी इंटरनेट ब्राउजर ओपन कर लेना है, जैसे कि गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, ओपेरा मिनी, कोई भी कर लेना है। उसके जो सर्च बार है वहाँ पर आपको टाइप करना है UAN लॉगिन, और जब भी टाइप करके सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर जो UAN की जो वेबसाइट का जो पोर्टल है उसकी वेबसाइट आएगी, unifiedportal-mem.epfindia.gov.in, इसको ओपन कर लेना है। बाकी इसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ पे डायरेक्ट आप प्रेस करके इस वेबसाइट तक पहुँच सकते हैं, यहाँ तक आ सकते हैं। ठीक है, तो मैंने ओपन कर लिया। अब यहाँ पे देखिए, आपको लॉगिन करना है UAN अकाउंट के साथ, जो आपका UAN नंबर रहता है जो कि 12 डिजिट का रहता है, यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वो यहाँ पे डालना है, उसका पासवर्ड यहाँ पे डालना है, और ये वाला जो कोड है ये यहाँ पे डालना है, उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने अपना 12 डिजिट का UAN नंबर डाल दिया और उसका पासवर्ड डाल दिया, और ये जो कोड था ये मैंने डाल दिया। अब मैं कर लेता हूँ साइन इन। तो आपको भी अपना 12 डिजिट का यहाँ पे UAN नंबर डालना है, उसका पासवर्ड, फिर ये जो वहाँ पे कोई भी कोड रहेगा वो कोड यहाँ पे डालना है, उसके बाद साइन इन कर लेना है। तो मैं साइन इन कर लेता हूँ। तो जैसे साइन इन करेंगे तो इसका जो होम पेज, इसका जो अंदर का लॉगिन इंटरफेस कुछ इस तरह से आ जाएगा। यहाँ पे आपकी प्रोफाइल दिखा देगा पूरी डिटेल, कि आपका नाम, आपका डेट ऑफ बर्थ, आपका जेंडर, पैन कार्ड वेरीफाइड है कि नहीं है, आधार वेरीफाइड है कि नहीं है, यहाँ सब, यह सारी पूरी डिटेल आपकी यहाँ पे दिखा देगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए काफ़ी सारे ऑप्शन है, तो यहाँ पे ऑनलाइन सर्विसेज का ऑप्शन है, मैं फटाफट से आपको बता देता हूँ ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। तो फ्रेंड्स, आपको ये है वन मेंबर वन EPF अकाउंट ट्रांसफ़र रिक्वेस्ट, इस ऑप्शन पर आपको प्रेस करना है। तो यहाँ पे मैं प्रेस कर देता हूँ। जैसे इस पर प्रेस करेंगे तो इसका जो अंदर का इंटरफेस है कुछ इस तरह से आ जाएगा, देखिए इस तरह से आएगा, और यहाँ पे देखिए पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर, यहाँ पर आपका नाम, बैंक अकाउंट नंबर, मोबाइल नंबर, IFSC कोड, ईमेल आईडी, आधार कार्ड नंबर, आपकी मतलब पर्सनल इन्फॉर्मेशन सबसे ऊपर पर्सनल इन्फॉर्मेशन दिखाएगा, और यहाँ पे देखिए डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड। तो मैं थोड़ा सा नीचे ड्रैग कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ पूरी डिटेल से। तो यहाँ पे देख सकते हो डिटेल ऑफ प्रेजेंट अकाउंट इनटू विच ट्रांसफर विल बी अफेक्टेड, मतलब जो आपका पीएफ ट्रांसफर होगा, पीएफ का जो पैसा ट्रांसफर होगा वो आपकी जो प्रेजेंट अकाउंट है पीएफ का, ये है यहाँ पे वो दिखा देगा प्रेजेंट अकाउंट, तो आपका पीएफ का पैसा इस प्रेजेंट अकाउंट में यहाँ पे जो आएगी डिटेल उसमें ट्रांसफर होगा। तो यहाँ पे वो पीएफ का अकाउंट दिखा रहा है प्रेजेंट का, और यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऑप्शन है सेलेक्ट डिटेल ऑफ प्रीवियस अकाउंट विच आर टू बी ट्रांसफर। तो यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन है, प्रीवियस एम्प्लॉय और प्रेजेंट एम्प्लॉय, मतलब यहाँ पे देखिए मेंबर नोट मेंबर हैज द ऑप्शन टू चूज क्लेम फॉर्म अटेंशन बाय प्रेजेंट और प्रीवियस एम्प्लॉय, मतलब आपकी जो ये रिक्वेस्ट है प्रेजेंट एम्प्लॉयर के या फिर प्रीवियस एम्प्लॉयर, यानी कि जो करंट कंपनी है उसके पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए या फिर
जो पिछली कंपनी है उसके पास रिक्वेस्ट जानी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरा तो सजेशन ये रहेगा कि प्रेजेंट ही आपको सेलेक्ट करना चाहिए, जो आप जिस कंपनी में आप करंट काम कर रहे हैं उसके पास से रिक्वेस्ट जानी चाहिए, क्योंकि उसको आप फोन करके बोल भी सकते हो कि आपके पास एक रिक्वेस्ट आई है मेरा पीएफ क्लेम ट्रांसफर करने के लिए, जो मेरी पिछली कंपनी का था उसका सारा का सारा पैसा आप जो मेरी करंट कंपनी है आपके साथ जहां मैं काम कर रहा हूं उसमें ट्रांसफर कर दीजिए। तो मेरे हिसाब से तो प्रेजेंट एम्प्लॉयर ही ठीक रहेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए मेंबर आईडी और यूएएन, यहाँ पे तो मेंबर आईडी या फिर यूएएन नंबर डालना है, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ अपना यूएएन नंबर। तो फ्रेंड्स यहाँ पे मैंने अपने 12 डिजिट का यूएएन यूनिवर्सल अकाउंट नंबर डाल दिया है। ठीक है, और अब मैं कर देता हूँ गेट डिटेल्स पे, और जैसे गेट डिटेल्स पे प्रेस करेंगे कुछ सेकंड लेता है लोडिंग होगा, और यहाँ पे आपकी जो कंपनी है प्रीवियस कंपनी उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। आपको क्या करना है यहाँ पर, इसको ये जो चेक बॉक्स है इस पर आपको प्रेस कर देना है, और जैसे प्रेस करेंगे तो यहाँ पे देखिए गेट ओटीपी का ऑप्शन आएगा। अगर इस पर अनचेक करेंगे तो ये देखिए हाईलाइट नहीं होगा। ठीक है, तो इस पर आपको चेक करना है। तो फ्रेंड्स अब यहाँ पे देखिए स्टेप 2, अब ये है ऑथेंटिकेशन ओटीपी एंड सबमिट, मतलब ओटीपी यहाँ पे डालना है, उसके बाद ये सबमिट का जो ऑप्शन है इस पर प्रेस करना है। तो देखिए ओटीपी विल बी सेंड ऑन यूएएन रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, जो आपका मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है इस आपका जो यूएएन अकाउंट के साथ उस पर ओटीपी आएगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, गेट ओटीपी का ये जो ऑप्शन है गेट ओटीपी इस पर प्रेस करना है। जैसे इस पर प्रेस करेंगे कुछ सेकंड लेगा, उसके बाद यहाँ पे लोडिंग होगा और यहाँ पे आपको दिखा देगा कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। तो यहाँ पे देख सकते हो ओटीपी सेंड सक्सेसफुली, मतलब आपको जो मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड था उस पर ओटीपी भेज दिया गया है, और वो ओटीपी अब आपको कहाँ डालना है, यहाँ पर डालना है वो ओटीपी, यहाँ डाल के और यहाँ पे सबमिट करना है। तो मेरे पास ओटीपी आ गया, और ये ओटीपी आया है मेरे पास 9178, तो उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर देना है। और जैसे सबमिट पे प्रेस करेंगे लोडिंग होता है, और लोडिंग होने के बाद क्या मैसेज आता है, कुछ सेकंड ले रहा है ये अभी। और यहाँ पे देखिए स्टेटस कैन बी ट्रेक फ्रॉम ट्रेक स्टेटस, दी क्लेम हैज बीन सक्सेसफुली सबमिटेड। तो फ्रेंड्स जैसे आपकी ये रिक्वेस्ट सबमिट हो जाएगी तो ये रिक्वेस्ट आपका जो एम्प्लॉयर है आपकी जो कंपनी है उसके पास जाएगी। आप उनको बोल देना या फिर उनके पास उनको पता चल जाता है, तो जैसे ही वो अप्रूव करेंगे उसके बाद ये रिक्वेस्ट ईपीएफओ फील्ड ऑफिस में जाएगी, जहां पर आपका पीएफ अकाउंट है वहां पर जाएगी। जैसे आपकी कंपनी अप्रूव कर देगी फिर फील्ड ऑफिस में जाएगी ईपीएफओ के, और जैसे ही ईपीएफओ की तरफ से वो जैसे अप्रूव करेंगे आपका जो पैसा है पुराने पीएफ का सारा पैसा नए पीएफ में आ जाएगा। तो इस तरह से आप घर बैठे अपना पूरा का पूरा पीएफ ट्रांसफर कर सकते हैं अपने ओल्ड पीएफ टू न्यू पीएफ। तो फ्रेंड्स आई होप ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो मैंने बनाई आपके साथ शेयर करी आपको अच्छी लगी होगी। आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना ये इन्फॉर्मेशन ये वीडियो आपको कैसे लगी, और मेरे को आप ट्विटर इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ये मेरी ट्विटर इंस्टाग्राम आईडी है @iPradeepSharma। तो फ्रेंड्स मैं प्रदीप शर्मा फिर मिलता हूँ आपके साथ एक और लेटेस्ट टेक्निकल हेल्पफुल नॉलेज वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय, टेक केयर।